मेरे प्यारे दोस्तों, अभी एक सम आपको दिखाई दे रहा होगा। पता नहीं क्यों कलकत्ता यूनिवर्सिटी को ना इस सम से बहुत प्यार है, हद से ज्यादा। और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अलावा ही बात करें ना, और भी जो भी बाकी यूनिवर्सिटी है, वो सम भी इस सम्स को बार बार लोग एग्जाम भी देता है, पता नहीं इसमें क्या है। तो देखिए, इसमें क्या है ना, मजा का बात यह है, जब भी एग्जाम में आता है तो स्टूडेंट को काफी आसान लगता है, लेकिन इस सम को स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करता है, इसीलिए एग्जाम में फंस जाता है। सर है क्या है? कुछ भी नहीं। अगर आपने थोड़ा ध्यान से नहीं समझा लॉजिक से, तो आपके लिए ना इजी चीज नहीं होता है कि आ रहा है लेकिन नहीं बन पाएगा, ऐसा होता है इस केस में। इसलिए सिम्स को बहुत ही लॉजिकल समझिएगा, ऐसे नहीं कि रट रट के पढ़ लिए काम हो गया, वो नहीं करना है आप लोगों को। ध्यान से देखिए क्या हुआ है सम में। बोला सर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया आप लोगों को 2021 के बारे में कि हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है, ए बी सी, कुछ यूनिट्स भी दिया हुआ है, देखो ना वहाँ पर, और यूनिट्स के बगल में साफ साफ लिख दिया आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है इतना यूनिट हम लोग इस साल बनाए, प्रोड्यूस किए, मतलब नंबर्स ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। उसके बाद लिखा द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज, बोला सर जानते हैं सर इतना यूनिट बनाने में हम लोग को कितना रुपया का खर्चा लगा? 4 लाख का खर्चा लगा। रुक जा और अच्छा समझाते हैं इसको, रुक थोड़ा अच्छा समझना। ठीक है, समझा रहे दोस्त अच्छा से। हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नाम सुना है कभी? हाँ सर, सामान बनाने का खर्चा, बनाने में कितना लगा, हम पूछे कितना कितना यूनिट्स बनाया बता तो पहले, ए बी सी 4, 8, 9, 6, 100, ठीक है। बोला सर ए बनाया 4000 यूनिट, यूनिट का बात हो रहा है, बी बनाया 8000 और सी बनाया 9600। भाई यूनिट बनाया, रुपया में नहीं बात हुआ। बोले भाई बनाने में कितना लगा? बोला भाई पता नहीं, ए का कितना लगा हम नहीं बता सकते, बी का भी नहीं बता सकते ना सी का, लेकिन हम आपको टोटल बता सकते हैं कि टोटल मेरा 4 लाख रुपया लगा है बनाने में, ये रुपया लगा भाई, रुपया, रुपीस। हम बोले ठीक है चल, रुपया में तो बताया। हाँ, उसके बाद क्या होता है पता है? उसके बाद ना दिया है सर स्टॉक ऑन 1/4/2004। ओ, देख के डेट लग गया या ओपनिंग स्टॉक के बारे में कुछ बोलना चाहता। हम बोले ठीक है ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक का ऐसा ऐसा कुछ दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है बाद में समझाएंगे, समझाएगा आपका भाई, समझाएगा, घबराना मत, ठीक है। इसके बाद बोला सर सेल्स, जानते हैं सर इस साल कितना माल बिका? बोले कितना भाई, देखो ना नीचे दिया हुआ है। बोला सर इस साल सामान जो बिका है, देखिए ध्यान से, इतना इतना यूनिट। अच्छा एक चीज़ देख, बहुत मजा का चीज़ है, सेल्स जब दिया ना तो बता भी दिया ना कि जैसे कि देखो डिपार्टमेंट ए का बोला सर 24 रुपया करके सामान बेचे हैं, कितना यूनिट, हमने तब तो बहुत अच्छा है भाई, अगर हमको यूनिट भी पता है और रेट भी पता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं क्या कि सेल्स का अमाउंट कितना है, इसीलिए सेल्स का हम निकाल लिए, सेल्स में कोई झमेला नहीं दिया, ठीक है। फिर बोला द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज द सेम इन ईच केस। बोला सर जानते हैं सर हम लोग का जो रेट होता है, रेट मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया, कितना परसेंट मतलब, रुक जा समझाते हैं। अगर हम किसी को बोलते हैं 100 रुपया में हम 10 रुपया प्रॉफिट कमाएं, 100 रुपया में 10 रुपया प्रॉफिट कमाएं, तो इसको बोलते हैं 10%, ठीक। अगर हम बोलते हैं 200 रुपया बेचकर 20 रुपया प्रॉफिट कमाएं, तो इसको भी क्या बोलेंगे, 10%। मतलब देखना ध्यान से, प्रॉफिट का रुपया अलग है, एक बार 10 रुपया प्रॉफिट कमाए थे, एक बार 20 रुपया, लेकिन जब पर्सेंटेज में बात किए दोनों जगह सेम पर्सेंटेज आया, तो पर्सेंटेज को बोलते हैं रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट या रेट ऑफ प्रॉफिट, जो निकला 10%, अभी जो आपको समझाएं एक उदाहरण से। तो यहाँ पर ना रुपया का बात नहीं बोल रहा है, अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोला, द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज द सेम इन ईच केस। बोला जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा ना ए का, बी का, सी का, ये तीनों का तीनों पर्सेंटेज में सेम होगा, तीनों में पर्सेंटेज सेम है। ओ अच्छा सर, रुपया नहीं, पर्सेंटेज सेम है भाई, रुपया कुछ भी आए लेकिन पर्सेंटेज प्रॉफिट का सेम रहेगा। बोले वाह भाई ठीक है। और बोला सर डिपार्टमेंटल का कुछ खर्चा पानी लगा? हम बोले कितना भाई? बोला 48,000 रुपया लगा है, 48,000, ठीक है। उसको बोला गया इस रेशियो में आप लोग बांट दीजिएगा, हम बोले ठीक है भाई, अमाउंट दे दिया है, रेशियो में ना बांटना है, तो रेशियो में बांटना कौन सा बड़ा बात होता है, कोई हाथी घोड़ा तो है नहीं, रेशियो दिया आसानी से बांट देंगे, इतना दिन से सीखे हैं हम लोग, ठीक। अब बोलता है प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, हम बनाएंगे मेरा बच्चा, हम जरूर बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट को,
लेकिन आप लोग हमको एक बात समझाइए, जो खर्चा लिखा डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस बताया कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कि इनडायरेक्ट, ऐसा कुछ बोला बता मेरे को? कुछ नहीं बोला, वो तो एक्सपेंसेस बोल के छोड़ दिया, बताने भूल गया डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। तो सुनो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब खर्चा एक्सपेंसेस बोल के छोड़ देना और हमको बताने भूल जाए कि डायरेक्ट खर्चा है कि इनडायरेक्ट खर्चा है, तो हम लोग उसको इनडायरेक्ट खर्चा मानते हैं। और इनडायरेक्ट खर्चा कहाँ जाता है पता है? पीएल अकाउंट में। कहाँ पर जाता है? पीएल अकाउंट में। तो बता मेरे को, यहाँ पर क्या यहाँ पर पीएल अकाउंट बनाने बोला है? नहीं बोला, तो भाई इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस का। तो क्यों दिया? आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया कि आप लोग गलत कर दीजिए और आप लोग फंस जाइएगा गलती करते ही। अच्छा सर, ये तो बहुत चालू आदमी है रे, ये लोग मतलब हम लोग से गलती करवा देगा। हाँ भाई समझा, इस दुनिया में कैसा कैसा लोग भी होता है। क्या बताए, यूनिवर्सिटी गलत करवा के छोड़ेगा, ऐसे वो लोग काम करता है। ठीक है सर जी, अब ध्यान देना और अच्छा से कि सर ठीक है ये बात समझ गए। अब एक बात बताइए सर, मान लीजिए जैसे सेल्स यहाँ पर आप आसानी से लिख दिए ना, तो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट आपको बाहर में लिखने में क्या दिक्कत है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब तुम परचेज मान के चल, परचेज को लिखते थे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत ये है ना, जैसे सेल्स का रेट दिया हुआ था रेट, वैसा रेट नहीं दिया हुआ है कि हम मल्टीप्लाई करके बाहर लिख दें। रेट दिया हुआ था, देख सेल कितना में हुआ, देखो यहाँ दिया है, नहीं दिया ना, तो नहीं दिया तो कैसे निकाले लफड़ा? अच्छा सर, फिर देखिए आप बाई साइड में क्लोजिंग स्टॉक का लिखे, हाँ लिखे हम, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का ना यूनिट्स पता ना रेट पता। अब आप बताइए, ना यूनिट्स पता ना रेट पता, हम काम कैसे करें? आप मेरे को बताइए ना, काम कैसे करें बोलो? दिक्कत हो जाएगा ना मेरा बच्चा, बहुत तगड़ा वाला दिक्कत होने वाला है। हाँ सर, अब है भी कि नहीं क्लोजिंग स्टॉक सर? नहीं दिया तो नहीं लिखते आप, सच बोल रहे हैं भाई, नहीं दिया ना हम भी नहीं लिखते, क्यों लिखें बताएंगे? नहीं दिया का जरूरत है हमको लिखने का? क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा होगा, अरे नहीं दिया होगा। लेकिन सवाल एक बार समझ के देखते हैं क्या हालत है, बोले ना सवाल है छोटा लेकिन है खतरनाक। ऐसी नहीं प्यार है इतना सारा यूनिवर्सिटी को, ऐसी नहीं आपको बोलते हैं वीडियो को था लाइक कर दो और कमेंट कर दो। अब ध्यान से सुनना, हम आपको पहले एक एग्जांपल से समझाएंगे, उस एग्जांपल को आप ध्यान से समझिएगा नहीं तो फंस जाइएगा। हम आपसे पूछते हैं मेरा बच्चा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, हम आपको गए, आप मार्केट में गए, मार्केट में जाकर ना आप कलम खरीद के लाए, कलम पेन ठीक है, पेन। हम बोले आपने पेन परचेज किया, ठीक है, कितना सर? मान ले भाई तुम 18 पेन परचेज कर लिया, कितना करके सर? एक करके कितना रुपया लगा? 18 रुपया, बहुत अच्छा। आपने बेच भी दिया सर, कितना? 10, कितना करके चल मान ले 4 रुपया करके बेच दिया, कितना रुपया मिला भाई? 40 रुपया। तो अब बता तो मेरा बच्चा प्रॉफिट कितना हुआ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। खरीदा कितना में? 18 रुपया में, बेचा कितना में? 40 रुपया में, तो प्रॉफिट कितना हुआ? इतना टाइम लगता है भाई लिखने में, तुम लोग को लगता है ना दिन भर दुनिया भर का टाइप करेगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में मेरा जवाब टाइप नहीं कर सकता ना, क्या बोले बट सीख नहीं पाएगा दोस्त। ठीक है, अरे बाबा कुछ लोग बताए कितना बोल रहा है सर 22 रुपया। गलत जवाब। प्रूफ करते हैं कैसे, रुक प्रूफ कर दिखाते हैं, करेंगे प्रूफ अभी, रुक अच्छा से प्रूफ करेंगे मेरा भाई। अच्छा बता, तू लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाने सीखा ना? ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाता है सर? यहाँ लिखते हैं बाई सेल्स, हमने हाँ 10 × 4 40 रुपया, मतलब वेरी गुड 40। यहाँ लिखते हैं सर ओपनिंग स्टॉक, नहीं दिया था, नहीं लिखे, ठीक है नहीं दिया नहीं लिखा। फिर सर नीचे लिखते हैं टू परचेज कितना किया? 18 रुपया, ठीक है मेरा भाई। अब एक बात बता, परचेज किए थे 18 कलम को, बेचे 10, सब बिका कि नहीं बिका? जितना खरीद के लाए थे सब बिक गया?
सब नहीं बिका ना, कुछ बच गया। कितना बच गया? सही, 8 बच गया ना, 18 खरीदे 10 बिका, तो जो बच गया क्लोजिंग स्टॉक 8 तो बच गया, ठीक है, तो 8 बच गया। कितना रुपया करके खरीदे थे? 1 इंटू 1, तो कितना? 8 रुपया क्लोजिंग स्टॉक। अब कुछ लोग बोलेगा सर समझते कैसे हैं, ये लेना है कि लेना है? भाई खरीद के तो इतना में आया था ना, 1 रुपया में। और ऐसे भी आप कभी सीखे होंगे, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, फाइनल अकाउंट में सिखाया गया होगा, लोअर लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट कितना हुआ सर, टू ग्रॉस प्रॉफिट देखिए सर, 48 माइनस 18 कितना हो गया मेरा बच्चा? 30। समझा ये 30 कैसे आया? वेरी गुड, समझ गया। और अच्छा समझाते 30, रुक ना, समझा रहे भाई ये 30 कैसे आया, रुक 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 रुक, एक बात बता मेरे को, ये जो 1 रुपया है ना, 1 रुपया यहाँ कितना है? 4 रुपया। कितना है? 4 रुपया। तो एक कलम को बेचकर जिसको 1 रुपया में खरीदते थे और 4 रुपया में बेचते थे, 1 रुपया में खरीदते थे और 4 रुपया में बेचते थे, हाँ, तो कितना रुपया प्रॉफिट कमाते थे? 3 रुपया। कितना रुपया? 3 रुपया। 1 रुपया खरीदे 4 रुपया बेचे, कितना? 3 रुपया, हाँ। तो एक कलम के ऊपर अगर मेरा 3 रुपया प्रॉफिट होता है, 3 रुपया, तो कितना कलम बेचे? बिका कितना? 10। अगर 10 बिका और एक कलम में 3 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितना? 30। देख मैच किया, इसको बोलते हैं लॉजिक के साथ पढ़ाई करना, जैसे तैसे नहीं, रटना नहीं है, रुक। इसका मतलब सर ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे भी बन सकता है? हाँ बन सकता है सर। ट्रेडिंग अकाउंट क्या ऐसे भी बन सकता है? ऐसे मान लीजिए लिख दिए बाई सेल्स, 10 तो बेचे 4 करके 40 में, हाँ। कभी नाम सुना है टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? सुना होगा, कभी सीखा भी होगा। हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे निकालते थे, पता है, सेल्स को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से घटा दो, आ जाएगा जीपी। सीखा होगा कभी बचपन में, याद करो, सीखा होगा, देख वही दिखा रहे हैं अभी, आ जाएगा जीपी। ये बोलता है ना, अगर आपको जीपी निकालना है ना, जीपी जीपी, तो एक काम कीजिएगा, जितना सामान बिका है ना, जितना सामान बिका है सेल हुआ है उतना ही यहाँ पर लिखो, 10 करके लिखे, 4 करके बिके थे लेकिन बेचे थे, खरीदे कितना? 1 में, तो यहाँ कितना आएगा? 10, तो 40 से 10 घटा दो, आ जाएगा 30 जीपी। ओ सर मतलब ट्रेडिंग ऐसे भी बन सकता है? हाँ बन सकता है, वो अलग है, आप लोगों को सिखाए नहीं जाता इस तरीके से, कोई सिखाएंगे सर तो बहुत अच्छा बात है दोस्त, मतलब इस तरीके से भी बन सकता है ट्रेडिंग। और भी तरीका है, हम सिखाएंगे, मतलब तरीका मतलब टेक्निक कि कैसे कैसे इसको निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए कुछ मजा का चीज़ तो पता चला सर यहाँ पर। तो सर आप इसको ये 30 रुपया निकाल लें, क्यों ऐसे सिखाएं बता रहे हैं? अब ध्यान देख, क्वेश्चन को ध्यान देना, यहाँ पर क्या हुआ है पता है? यहाँ पर कुछ सेल्स का यूनिट दिया हुआ था, उसका रेट दिया हुआ था, अलग अलग, देखो ना, ए बी सी दिया हुआ है क्या? हाँ सर दिया हुआ है। सेल्स का अमाउंट भी पता है? बोले हाँ पता है, बहुत अच्छा बात है। हम मेरा मन कर रहा था ना कि हम यहाँ पर सेल्स का अमाउंट लिख लें, सच बोल रहे हैं, लिख दें, इस खर्चा को यहाँ जिसे घटा दें और यहाँ पर एक तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, आ जाएगा, मैं बात ध्यान से सुनना, और आ जाएगा ना, हमको तो क्या निकालना है? रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों निकालना है बताएगा आपका भाई, बताएगा भाई सुन। तो जब भी कोई चीज़ निकालते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कि एक बात समझ, अगर हम आपसे पूछे कि आपका एग्ज़ाम में आपका ना 80 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, 80 में आप 40 लेके आए, 80 में कितना? 40, तो कितना परसेंटेज लेके आए? 80 में 40 मैंने आधा, मतलब 50% कैसे आया? तो आप बोलिएगा सर 40 ऊपर लिखे नीचे 80 लिखे इंटू 100 कर दिए, आ गया 50%, देख लो। हाँ सर, तो हमको निकालना इस बार रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, तो क्या करेंगे ऊपर में, ऊपर में क्या लिखते हैं जो निकालना पड़ता रहता है ना भाई, उसको ऊपर लिखते हैं। जैसे अभी हमको पता चल रहा था कि कितना परसेंटेज मार्क्स लेके आए, तो मार्क्स जितना मिला ऊपर लिखे, उसी तरह से ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ उसको ऊपर लिखो, नीचे सेल्स लिखो, आ जाएगा। हाँ सर, तो हमको ये दो चीज़ चाहिए, ठीक है सर। तो एक काम कीजिए ना सर, सेल्स चाहिए तो ये ले लीजिए, कुछ दिक्कत है उसको लेने में? दिक्कत है भाई, बता रहे दिक्कत क्या, बता रहे ध्यान देना, दिक्कत क्या है?
अभी आप एक चीज नोट किए होंगे यहां पर, जब हम इसको निकाल रहे थे ना, तो हम क्या बोले, दोनों तरफ का यूनिट बराबर होना चाहिए। देख 10 यूनिट करके देख, ध्यान दिया, तब जाके मेरा सही ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अभी आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में गलती किए थे, 22 ला दिए थे, 22 हम आपको बचाएं, याद है ना सर? क्यों गलती हुआ था? क्योंकि सर दोनों जगह यूनिट गलत था, अलग अलग था, अलग 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 यूनिट होने के कारण, अलग अलग यूनिट होने के कारण, अलग अलग यूनिट होने के कारण आपका अमाउंट गलत आ गया। लेकिन जब दोनों जगह यूनिट सेम किए ना, सेम, तब देखो तब हम लोग का सही आया। फिर दिखा देते हैं आपको, जैसे सेल्स था 10 तो यूनिट चार करके 40, तो परचेज भी बोले भाई 10 यूनिट अगर बेचे थे ना, बेचे थे तो एक करके एक ठो यूनिट 1 रुपया में खरीदे थे, तो 10 यूनिट कितना में खरीदे, 10 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 30। मैंने दोनों जगह हमको ये यूनिट सेम चाहिए, सेम, ठीक, तब जाके हमारा ग्रॉस प्रॉफिट सही आएगा। तो ध्यान देना अपना बच्चा, ध्यान देना, एक बात ध्यान दो थोड़ा सा। हम चाहे ना, मेरा मन कर रहा है कि यहाँ जैसे दिया हुआ है 4080 × 24 एकदम ऐसे लिख दें, सच बोल रहे हैं मेरा बच्चा, मन कर रहा है ऐसे ऐसे लिख कर बाहर में जब करेंगे तो सेल्स का अमाउंट आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता है, मेरा जीपी आ जाएगा। लेकिन एक बात बता, क्या ये यूनिट और ये यूनिट दोनों सेम हुआ, ये सुनो, सेम हुआ नहीं हुआ ना, अलग है कि नहीं है, अलग। जब ये दोनों अलग है तो इसका मतलब बहुत बड़ा गड़बड़ होने वाला है भाई, बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा दोस्त, आप इसको संभाल नहीं पाइएगा। हाँ सर जी, दिक्कत हो जाएगा, और हमको दोनों जगह सेम करना है भाई, कुछ भी हो जाए सेम करना है। तो सर एक काम कीजिए ना, यहाँ 4080 है, इसको भी 4080 कर दीजिए, कर देंगे, आपको मन कर रहा है ना, हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे को करने में। लेकिन एक बात बता, ये जो टोटल यहाँ निकाल के दिया हुआ है 4 लाख रुपया, फिर हम इसको क्या करेंगे बता, क्या करेंगे, कोई उपाय है तो देना, दे नहीं सर, ये तो 4 लाख पूरा फिक्स्ड है सर, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना यूनिट बना, अब बनाने में टोटल लगा 4 लाख, इस 4 लाख को चेंज करना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर चेंज करेंगे 4 लाख को तो कितना करेंगे, दिक्कत है कि नहीं मेरे भाई? हाँ, लेकिन एक काम करते हैं दोस्त, एक काम करते हैं, इसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन क्या इसको बदल सकते हैं, इसको एक काम करते हैं ना, इसको, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसको लिख देते ना 4000 × 20, इसको तो बदला जा सकता है। हाँ सर, 7 नहीं, उसका जरूरत ही नहीं है, खाली रेट ले ले इसका 24 27 30, क्या हुआ यार, 27, अच्छा 24 20 नहीं था भाई, सॉरी गलती हो गया, 24 था, अरे यार 24 था, हो जाता है कभी इंसान से, ठीक है ना, बोलते समय हो जाता है या लिखते समय गलती, ठीक है सर, 24 27 30। तो हम बोले देख भाई, इसका यूनिट तो बदलना पॉसिबल नहीं है, इसका बदल डालते हैं ना। हाँ सर, तो बता दोनों जगह सेम यूनिट हुआ कि नहीं हुआ, बस मेरा काम हो गया, हमको बस दोनों जगह यूनिट सेम करना था मेरे भाई। अब देख क्या फायदा है, ध्यान देना, लिख लिए, छह लाख आया, ये है 4 लाख, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 2 लाख। हाँ सर, तो रेट निकालना है, 2 लाख ग्रॉस प्रॉफिट, ये हो गया 6 लाख इंटू 100, कितना हो गया 33.33% निकाल के देख लो, देख लो,
ये ना बहुत सारा थ्री आएगा भाई, थ्री बहुत सारा थ्री आएगा। और इसको हम लोग ना कभी कभी आप अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, 1/3 भी लिखते हैं। कैसे? देखो ये काटेगा ना ऐसे, दो को इसको तीन आ जाएगा, तो 1/3 भी लिखा करते हैं। अगर आप लोग को पता होगा तो अच्छा बात है। 1/3 क्यों बताएं? सिखाएंगे, ठीक है सर। अब एक बात बताना मेरे को, देख अब मजा देखना आप, क्या मजा आएगा, अच्छा मजा आने वाला है। देखिए आप इस सवाल, हो सकता है कि आपके मन में अभी भी बहुत सारा क्वेश्चन आया होगा, और सच कहते हैं आपका आया कि नहीं हमको नहीं पता, मेरा तो जवाब देने का मन कर रहा है। हम जवाब भी देते हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, समझिए वीडियो का लेंथ कितना बड़ा हो जाएगा। और ऑलरेडी हम आपको बहुत अच्छा से कंसेप्ट दे रहे हैं, ऐसा बात नहीं, आप समझ पा रहे होंगे किस लेवल में हम पढ़ा रहे होंगे आपको। और ये पैसों के लिए नहीं पढ़ा रहे, ये भी आपको पता है, लेकिन दोस्त हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे जहाँ तक मेरे को पहुँचना है, जिन स्टूडेंट को ज़रूरत है। और हम नहीं चाहते हैं कि कभी ऐसा हो कि जो ज़रूरतमंद है और हम वहाँ तक ना पहुँचे, तो ये सही नहीं होगा। फिर भी कोशिश करेंगे, बाकी ऊपर वाले की इच्छा। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आया होगा ना, तो ये सारा क्वेश्चन ना आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नंबर सेव कीजिए, 9883672063, व्हाट्सएप कीजिएगा। लेकिन व्हाट्सएप डाउट भेजने के पहले, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप पहले खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कि आप जो क्वेश्चन हमसे करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन भी सही है कि नहीं है, अच्छा होगा। तब क्या होगा, हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि यहाँ पर स्टूडेंट के मन में ऐसा क्वेश्चन आया था और उसका ये सारा जवाब है, अगर आ गया तो। लेकिन उस क्वेश्चन को करने के पहले एक बार रिक्वेस्ट है, देख लीजिएगा आपका क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो क्वेश्चन भी सही है कि नहीं है, उठपटांग तो नहीं है, खुद से अप्लाई कीजिएगा आंसर में, आपका जो मन में क्वेश्चन अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद हमको भेजिएगा, हम पक्का जवाब दे देंगे, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं सर। इस रेट से क्या फ़ायदा हुआ हम आपको बता दे रहे, बहुत तगड़ा फ़ायदा हुआ है भाई इस रेट से, ध्यान दीजिएगा इस रेट से क्या फ़ायदा हो गया हम लोगों का। देखो वर्किंग नोट, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट का कॉस्ट हमको पता चल गया, पता है कैसे? देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं अगर सेल से ग्रॉस प्रॉफिट घटा दिया जाए तो कॉस्ट पता चल जाता है। हाँ सर, ठीक है सर। तो देखो क्या मजा हुआ बता रहे हैं, तीन डिपार्टमेंट था, ए बी सी, ए का रेट 24, 27, 30 है ना, माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट तो कितना सर, 24 रुपया में जो सामान बिकता था ना बाबू, बिकता था, हम लोग 1/3 या लिखो 33.33333, बहुत सारा थ्री दे के तब परसेंटेज टिप ना, तब क्या होगा सर, आ गया सर 24 - 8 कितना आया 16 सर, एसी लो 27 - 9 कितना हो गया 18, इसका लो अगर ऐसे भी करेगा कर ना 33 पॉइंट, बहुत सारा थ्री देना भाई, बहुत सारा थ्री तब जाकर सही आएगा, बहुत सारा थ्री दो 20, ओ रेट पता चल जाएगा, फायदा देखो क्या हुआ रेट से, 16, 18, 20 कॉस्ट पता चल गया। अब क्या करेंगे बताएं, लो 16, 18, 20 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट बाहर में आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का आ जाएगा, आ जाएगा सर। सर तो अब ग्रॉस प्रॉफिट निकाले नहीं, रुक जा, कुछ सिखाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए स्टूडेंट क्या होता है ना, ज़्यादातर जब क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं है, नहीं दिया है तो हम लोग अमाउंट नहीं लिखते हैं, ऐसा ही होता है ना। हाँ सर ऐसा ही होता है ज़्यादातर, लेकिन इस बार क्या हुआ पता है, हम आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं क्या, हम आपको समझाते हैं, कंपटीशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसी ऐसी मेरा मन में क्वेश्चन है, हम आपसे पूछ लेना चाहते हैं। एक बात बताइए, आपके दुकान पर आपने एक दुकान खोला, आपका दुकान ना कलम विक्रेता है, आप लोग कलम सेल करते हैं, आपके दुकान में पहले से कलम था जिसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, क्या बोलते हैं मेरा बच्चा, ओपनिंग स्टॉक, पहले से था 20 कलम, ठीक है 20 यूनिट, ठीक है, और परचेज करके लेके आए, परचेज या आपका फैक्ट्री है उसमें बनाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट नहीं, इसको हम लोग कॉस्ट तो नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे नंबर
ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, क्या नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, कितना यूनिट्स बना, बना 50 यूनिट। तो टोटल कितना हो गया मेरा बच्चा, टोटल यूनिट 70, जिसमें से आप कस्टमर को बेच दिए 60, कितना बेच दिए 60, तो बच कितना गया 10। क्या इसको क्लोजिंग स्टॉक बोल सकते हैं? तो ये एक फार्मूला बना, पता है क्या फार्मूला बन गया, ध्यान देना मेरा बच्चा, ध्यान दो सर, ये फार्मूला बना, क्लोजिंग स्टॉक अगर मेरे को निकालना है ना सर, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, पूरा फुल फॉर्म लिखो, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस माइनस, भी माइनस हो रहा था ना, सेल्स यूनिट। देखिए जिसको आप लोग याद करते हैं ना, हम आपको ऐसे ही समझा दिए, याद करने का जरूरत ही नहीं था इसके थ्रू। अब क्या होगा, ये तो एग्जांपल था भाई, हाँ अब कैसे निकलेगा, निकाल दो, डिपार्टमेंट ए बी सी निकालते हैं। ए में कितना था भाई यूनिट, चार सौ अस्सी, 320, 608, ऐसे ही है ना, ठीक है। कितना बना, 4,000, 8,000, 9,600 प्लस ठीक है, कितना बिका, सेल्स कितना हुआ, ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा, अभी भागिएगा मत, भागिएगा मत, कुछ सिखाएंगे, सिखाएंगे भाई, आप लोग का ये बहुत गंदा आदत है, आप लोग ना अचानक से गायब हो जाते हैं, कुछ समझाना है, और उससे भी गंदा कि आप लोग कभी लिखते नहीं है कुछ भी। ये सॉरी 9,600 था ना, टू टू फोर, ठीक है सर, ये क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स निकल गया। अब फायदा देखो, हम आपको एक तो एग्जांपल दे रहे हैं, 400 आप लिख लीजिएगा बाकी, हाँ अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, खाली हम आपको एक तो निकाल के दे रहे हैं, ए का, आप लोग बी सी खुद से कर लीजिएगा। सर यहाँ कितना लिखे आप बताइए, क्लोजिंग स्टॉक में कौन सा रेट जाएगा, सेल्स वाला कि कॉस्ट वाला, कितना बना, कितना बना ना, तो इस 16 करके था, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस साइड का टोटल माइनस, वन जीरो फोर, कितना है भाई, 3,2,640, ठीक है। तो
तो आप लोग बी और सी तो निकाल लीजिएगा ना खुद से, पक्का? तो हाँ, और मेरा बात ध्यान से सुनना। आज देखिए वो लोग क्या गायब किया था, आज आज वो लोग क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया तो हम निकालना सिखा दिए, सिखाए ना। हो सकता है आगे चल के क्वेश्चन में ना, देखिए ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, हो सकता है कि आपको ओपनिंग स्टॉक ना दिया रहे, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ना दिया रहे, या सेल्स यूनिट ना दिया रहे, तो आप लोग निकाल पाइएगा कि नहीं। हाँ, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, कैसे बना लॉजिक समझा दिए, लॉजिक समझ के याद कर लीजिएगा, तब आप बना पाएंगे, नहीं तो बार बार सर कैसे निकलेगा, तब तो दिक्कत है ना भाई। कुछ होमवर्क देते हैं, देखिए ये होमवर्क दिया हुआ है आपको, सॉल्यूशन नहीं देखना है, होमवर्क पहले खुद से कोशिश करना है, नहीं बनेगा तब हम हैं, हम बताएंगे, लेकिन पहले खुद से कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, ठीक। देखिए सॉल्यूशन भी अभी देखेगा, सॉल्यूशन कि क्वेश्चन करने के बाद, करने के बाद। अच्छा नीचे ना टाइपिंग है ना, बोलकर थोड़ा ऊपर नीचे अमाउंट हो गया है, जैसे कि सेल्स का अमाउंट 3 बार लिखना चाहिए था, जब आप खुद से लिखिएगा ना तो आप समझ जाइएगा कौन सा अमाउंट ऊपर हो गया कौन सा नीचे, जब आप खुद से सॉल्व कीजिएगा तो समझ में आएगा। थोड़ा भाई वर्किंग में थोड़ा ऐसा हो गया है, थोड़ा आप लोग को मैनेज करना पड़ेगा वर्किंग में, ठीक है। अच्छा ये भी होमवर्क, क्यों? प्रैक्टिस करने के लिए, ये सवाल ना कोई प्रैक्टिस नहीं करता इसीलिए फंस जाता है। और वीडियो अच्छा लगे ना शेयर करना मत भूलना दोस्तों, और दोस्तों थोड़ा बताओ क्योंकि उसको मेरे बारे में नहीं पता है,